वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ के सबसे पहले पानी पी रही हूँ। अच्छा, अब आज से ना अभी तक स्कूल स्टार्ट हो गया, मतलब एलिमेंट्री स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अनियन कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाना है। अभी तक का ब्रेकफास्ट और लंच और स्नैक्स वगैरह स्कूल में ही होंगे क्योंकि वहाँ पर मील प्रोवाइड की जाती है और हमने स्पेशली बोला है कि हमें वेजिटेरियन मील चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्कूल में। तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं, इनिशियल डेज में देखते हैं कैसा चलता है। अगर नहीं होगा तो फिर शायद हम उसे लंच बॉक्स देंगे, बट अभी देखना चाहते हैं हम कि वो कैसे वहाँ पर एडजस्ट कर रहा है बाकी बच्चों के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं राजमा बना रही हूँ तो सिंपल मैंने जीरा सिनेमन डाल दिया है। प्याज डाल दूँगी, अब मैं प्याज और मिर्ची डाल दूँगी, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और अच्छे से मैं इस मसाले को बढ़िया से भून लूँगी। एक्चुअली राजमा बन जाता है ना तो राजमा वगैरह सही रहता है। एक्चुअली मैं हफ्ते में कम से कम एक बार तो राजमा बनाती ही हूँ और मसूर की दाल, छोले, ये मेरे वीक के प्लान में रहता है हमेशा। मॉर्निंग में मैं ये सारी सब्जियाँ ज़रूर बनाती हूँ, लाइक कभी राजमा बना लिया, कभी छोले बना लिया और कभी मैंने मसूर की दाल बना ली। तो ये मेरे हस्बैंड को भी पसंद है क्योंकि काफ़ी ड्राई सब्जी ऑफिस में अच्छी भी नहीं लगती है और थोड़ी ग्रेवी वाली रहती है तो ये अच्छी भी रहती है। तो यहाँ पर ये फिर मैंने एक्चुअली बीच की क्लिप मिस हो गई जब मैंने टमाटर और मसाले डाल के भुना। तो बेसिकली प्याज भुनने के बाद ना मैंने मसाले भून लिए थे और इसके बाद फिर टमाटर डाल के नमक डाल के काफ़ी अच्छे से पकाया था देर तक, और इसके बाद फिर राजमा डाला था। यहाँ पर मेरा पराठा रेडी हो गया है और ये 3 कप हम 3 लोगों के हैं। अब इधर उसके पापा और मेरा, और यहाँ पर राजमा बन के रेडी हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम अब ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा राजमा बन गया, मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए पराठे बन गए और ये चाय बन गई, और ये यहाँ पर मैंने चीला बनाया स्प्रिंग अनियन का। तो मैं यहाँ पर लेकर बैठती हूँ अभ्युदय के स्कूल का सारा आइटम जो कि मुझे स्कूल में कल भिजवाना है, क्योंकि अभ्युदय का आज फर्स्ट डे था स्कूल में और स्कूल ने हमें मेल की है कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि हमें स्कूल में भिजवाने हैं। तो एक्चुअली लिस्ट ऑफ आइटम में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमें इस बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगी, मतलब मिल गई, तो हमने ये पूरा बॉक्स ही ले लिया। प्लस एक्स्ट्रा उन्होंने जो चीज़ें बोली थी इस बॉक्स के अलावा, वो ये ब्रश थे। एक्चुअली इसके अंदर ना वाटर कलर्स है, उसमें सिर्फ एक ही ब्रश है, तो हमें एक्स्ट्रा उन्होंने ब्रशेस भी बोले थे। और इसके अलावा टी शर्ट और ट्रैक पैंट और स्नीकर्स चाहिए हैं, वो स्नीकर्स तो हमारे पास हैं। टी शर्ट वाइट कलर की चाहिए जिम के लिए, तो जिम मतलब वो कुछ स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ हैं जो वो कराते हैं, उसको यहाँ पर जिम बोलते हैं। तो ये बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, क्योंकि बुक्स तो उसकी स्कूल से ही मिल गई थी, नेम प्लेट, ये नोट्स बुक्स। तो मुझे ना अभी कवर चढ़ा रहे हैं उसकी सारी बुक्स में, तो यहाँ पर उसके मैंने कवर भी लेकर आ गए हैं जो आजकल स्कूल्स में तो कवर वैसे वाले ही मिलते हैं, आप डायरेक्ट ऊपर से चढ़ा दो, तो मैं भी चढ़ाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी। और इसको अभी ओपन करके देखती हूँ उसके अंदर क्या क्या है, तो अभी तक मैंने इसे ओपन नहीं। तो यहाँ पर अभी तक की किट है जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कलर्स रखे हुए हैं, क्रेयॉन्स है, पेंसिल कलर है, स्केच पेन है, वाटर कलर है, ट्यूब वाले कलर हैं, और ये पूरा पैलेट है, क्ले है, सीज़र है। तो मतलब बेसिकली क्ले से क्राफ्ट से रिलेटेड ये पूरी की पूरी किट थी जिसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो ये सारी किट हमें ना स्कूल में प्रोवाइड करानी है, मतलब बच्चे के लिए, और अभी तक इसे रोज़ लेके ट्रैवल नहीं करेगा, लाइक कि उसको स्कूल में ऑलरेडी लॉकर अलॉट हो गया है तो वो वहीं पर सारी चीज़ें रख कर आएगा और वो ये सारी चीज़ें लेकर रोज़ ट्रैवल नहीं करेगा। और बच्चों की बुक्स भी स्कूल में ही रहती हैं, लाइक पूरा बैग स्कूल में ही रहेगा, बच्चे मंडे को लेकर स्कूल जाएंगे बैग और फिर वो फ्राइडे को लेकर ही आएंगे बैग, मतलब वो वीकडेज़ में रोज़ अपने घर बैग लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक जो स्कूल का टाइमिंग है वो सुबह 8 से 4 है, तो वो अपना होमवर्क वगैरह सब कुछ स्कूल से ही कंप्लीट करके आएगा। और फ्राइडे को जब वो बुक्स वगैरह लेकर आएगा तब पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चे ने वीक में कितनी पढ़ाई की, उसकी कॉपीज़ वगैरह वो चेक कर सकते हैं। अगेन जब वो मंडे को बैग जाएगा तो फिर वो फ्राइडे को ही आएगा, तो मतलब वीकडेज़ में बच्चा अपना बैग लेकर घर नहीं आएगा, वो अपने लॉकर में ही रख कर आएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, और यहाँ पर मैंने अभी तक का सारा सामान उसके बॉक्स के अंदर रख दिया है। और यहाँ पर एक्चुअली अभ्युदय के लिए हमने ना सारी चीज़ें ना पास की शॉप से ही ली, और हमें पता नहीं था पहले तो हम इधर उधर ढूंढ रहे थे कहाँ जाना है, बट फिर ये पता चला कि हाँ पास की शॉप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो सब लाइन लगा के खड़े हुए थे पेरेंट्स,
तो हमें आसानी रही। अच्छा, यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है बुक्स की, और बुक्स की लिस्ट बुक्स के आगे उनके कोड नंबर हैं, वो कोड नंबर हमें मैच करने हैं इनके कवर से। तो कवर में भी कोड लिखा हुआ है, तो जस्ट आप बुक के कोड से कवर का कोड मैच करो और वो चढ़ा दो, तो बड़ा ईजी था। बस मैं कोड मैच करती जा रही थी, बुक का कोड और उसके कवर का कोड, और मैं चढ़ाती जा रही थी, तो ये काम मैंने पूरा कर दिया था। और ये सारी चीज़ें मैंने करके एक दिन पहले ही रख दी थी, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें एक दिन पहले ही कंप्लीट चाहिए थी। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था जो छूट जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाना जब शुरू करते हैं ना, तो मम्मी पापा को ज़्यादा टेंशन होती है। तो यहाँ पर मैंने अभ्युदय की सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी, और अभ्युदय ये मॉर्निंग में उसका फर्स्ट डे है सेकेंड ग्रेड का एलिमेंट्री स्कूल का, और हम स्कूल पहुँच चुके हैं। और स्कूल बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको पता है, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताऊं मैं, तो मेरे हस्बैंड के स्कूल ऑफिस में, स्कूल में नहीं, ऑफिस में छुट्टी थी आज, क्योंकि बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का, इसलिए ऑफिस वालों ने स्पेशली ऑफ किया था उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अप टू क्लास फोर तक हैं, लाइक ग्रेड फोर तक जिनके बच्चे हैं उनके लिए ऑफ था, ताकि वो बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दे सकें, क्योंकि वो समर ब्रेक्स के बाद स्कूल जा रहा है। जिनके बच्चे किंडरगार्टन से क्लास फर्स्ट में जा रहे हैं उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, जिनके बच्चे सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, तो मतलब इट्स लाइक कि उनका मेल था जो अभिषेक ने मुझे पढ़ाया। और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि यार देखो कितना अच्छा है, उसमें लिखा हुआ था कि ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें इंजॉय करना चाहिए बच्चों के साथ, अपने बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। तो इसलिए वो अपने ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और वो फर्स्ट ग्रेड में या फोर्थ तक किसी भी ग्रेड में जा रहे हैं, उनका फर्स्ट डे है, तो उनके लिए ऑफ है, वो अपने बच्चे के साथ इंजॉय करें। तो ये चीज़ इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलती है, तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़ जान के। और यहाँ पर अभी तक अपनी क्लास टीचर के पास आ गया है, तो ये इसकी क्लास टीचर हैं, और सामने जो ब्लैक ड्रेस में हैं वो पेडागॉग हैं। और यहाँ पर ये है अभ्युदय की आफ्टरनून वाली क्लास टीचर, और बस अभ्युदय के क्लास में बच्चे अंदर बैठे हुए थे। और यहाँ पर हम आ गए हैं 2 घंटे बाद अभ्युदय को स्कूल से लेने, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे में बच्चों को सिर्फ बुक्स ही मिली थी, इंट्रोडक्शन होना था, तो मतलब पूरा लॉन्ग डे स्टे नहीं था आज स्कूल में। तो ये सारे पेरेंट्स बच्चों का वेट कर रहे हैं और बच्चे स्कूल से निकलना चालू हो गए हैं। तो ये बैक वाला गेट है, यहाँ पर हमें बच्चों को पिक करना था, तो इसी गेट से एंट्री भी होगी, इसी गेट से पिक भी होगा, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो अलग अलग गेट्स अलॉट कर दिए गए हैं। छोटे बच्चों का पीछे वाला गेट है, बड़े बच्चों का आगे साइड है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइड से बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे निकल रहे हैं, देखिए कितनी सारी बुक्स वगैरह लेके, क्योंकि सभी बच्चों को आज बुक्स अलॉट हुई हैं स्कूल से। और अभ्युदय भी अभी आ गया अपनी टीचर के साथ, तो बस अभ्युदय को देखिए, अभ्युदय बहुत ही खुश था और मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत टेंशन में थे कि लाइक कि वो कैसा रहेगा, क्योंकि यार देखिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे, दूसरी कंट्री में हैं, बच्चे अलग हैं, सब चीज़ अलग है। बट आप मानेंगे नहीं कि अभ्युदय को अभी अपने हाय करते देखा तो उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी, वैसे यहाँ पर उसके फ्रेंड्स बन गए हैं, और पहले से भी उसके फ्रेंड्स थे जिन्हें वो जानता था, वो उस स्कूल में पढ़ते हैं, और फर्स्ट डे भी उसके एक दो फ्रेंड्स बन गए थे, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये संडे का टाइम है, संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो हम अपने एक फ्रेंड्स के घर गए थे, तो वहाँ मैच देखने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं डिनर के लिए। तो यहाँ पर ये बॉम्बे ग्रिल करके इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम आए हुए हैं, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, मतलब आउटसाइड का व्यू बिल्कुल बहुत ही प्यारा था। रोड के दोनों साइड पे कैफ़ेज़ थे और आप वॉक करते हुए जाओ, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा मौसम था और बहुत ही प्यारा व्यू था। और यहाँ पर फिर हमने खाना खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था, मतलब बहुत दिनों बाद, मैंने सीरियसली बताऊँ तो मैंने बहुत दिनों बाद बाहर का खाना खाया है। वैसे तो मैं यहाँ पर क्रोएशियन रेस्टोरेंट्स भी गई हूँ, वहाँ का खाना ट्राई किया, बट इंडियन रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ क्रोएशिया में। तो यहाँ पर बॉम्बे ग्रिल है और हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर आते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर आए और हमने खाना खाया, हमें बहुत ही मज़ा आया, और अभ्युदय ने भी सच बताई बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि जब हम बाहर जाएं, और कभी कभी तो ऐसा करना चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम इस तरीके का इन्जॉय करें जो कि आपको बिल्कुल रिफ़्रेश कर दे। तो यहाँ पर पूरा मेन्यू है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इंडिया में जैसे कि पनीर की बहुत वेराइटीज़ होती है ना, ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पनीर की 1 से 2 ही वेराइटीज़ थी, और ठीक था, मतलब कि इतना तो इंडिया जैसा नहीं हो सकता है, बट हाँ,
काफ़ी कुछ सही था। और यहाँ पर बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए आ गए हैं, तो हम वॉक करते हुए आइसक्रीम खाने के लिए आ गए थे। और मैंने तो आइसक्रीम ली नहीं, क्योंकि मैं कभी भी आइसक्रीम लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभ्युदय जब आइसक्रीम लेता है तो उसे कभी वो पूरा फिनिश करता नहीं है, तो अल्टीमेटली वो मुझे ही खानी होती है, तो मैं कभी अपने लिए नहीं खरीदती हूँ। इससे मेरे पैसे भी फालतू में बर्बाद नहीं होते हैं और मैं आइसक्रीम भी खा लेती हूँ। तो अक्सर मुझे लगता है ज़्यादातर माएँ ऐसा ही करती हैं, उनको उन्हें पता होता है कि बच्चा कितना खा पाएंगे। तो ये आइसक्रीम शॉप के अंदर हम हैं और बस हमने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी थी, मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था और बहुत ही टेस्टी थी। मतलब जो हम इंडिया में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हैं ना, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और यहाँ की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। तो जब मैंने ये बात अपनी फ्रेंड के साथ शेयर की, तो उसने कहा कि लेकिन इंडिया के जो मैंगो होते हैं या फिर पाकिस्तान के, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड पाकिस्तान के हैं, तो बोल रही थी वो बहुत ही टेस्टी होते हैं और यहाँ पर ऐसे मैंगो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा बात सही है, अपनी अपनी जगह की खासियत होती है। लाइक यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज बहुत होती हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत टेस्टी मिलती हैं, और यहाँ मैंगोज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मैंगो शायद इतने टेस्टी नहीं होते हैं। और मैंने तो ट्राई किया, सच में इतने टेस्टी नहीं होते हैं। इंडिया के मैंगो से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं आया यहाँ के मैंगोज का। और बस बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय किए, अभ्युदय ने बहुत इंजॉय किया। आप देख रहे हैं ना जितनी आइसक्रीम इसके हाथ में है ना, इसने बस थोड़ा सा और खाया होगा, बाकी की सारी आइसक्रीम मैंने फिनिश की। और यहाँ पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया, जहाँ जहाँ रुक सके वहाँ वहाँ रुक के मस्ती की, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। किसी दिन मैं वॉकिंग टूर बनाऊँगी इस एरिया का जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी। सच में बहुत प्यारा था, मतलब आप चलते जाओ और रोड के दोनों साइड में रेस्टोरेंट थे, और इतना प्यारा, मतलब कि रात के 10-11 बज रहे थे लेकिन बहुत ही प्यारा माहौल था। हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था ऐसा कि हम यहाँ पर आएंगे या फिर ऐसा होगा, बट ये अचानक से ही हो गया। हम उनके घर गए, उन्होंने कहा नहीं हम आपको लेके चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, और हम यहाँ पर आए। तो सच में मज़ा आया, खाना भी डिलीशियस था, और सच बताऊँ तो खाना बिल्कुल स्पाइसी नहीं था, क्योंकि शायद वो इसी हिसाब से बनाते हैं कि यहाँ पर फॉरेनर्स ज़्यादा बैठे हुए थे और उन्हें ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगी। नहीं तो अगर उन्हें स्पाइसी लगेगा तो फिर इनके रेस्टोरेंट में कितने इंडियन खाना खाने आएंगे। ज़्यादातर फॉरेनर्स भी आते हैं, तो इसलिए यही था कि खाना स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं था और खाना अच्छा भी था। तो मज़ा आ गया इस दिन, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और अभी देखिए स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले की ये फुटेज है, तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, बच्चे काफ़ी इन्जॉय किए, और खाना ये आप देख सकते हैं कि हमने नान बनाया था, नान मंगाया था, और दाल तड़का, पुलाव और कढ़ाई पनीर, और ये पकौड़े बनाए थे। नहीं, मेरी आदत हो गई है ना बनाने की, तो मंगाया मुँह से कभी निकलता है, तो ये बनाए थे, मंगाए थे पकौड़े। और बस बहुत इन्जॉय किया, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बच्चों को तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है कि अगर उनको कहीं किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर उन्हें खूब इन्जॉय करने के लिए मिले। अब देखिए स्कूल के बाद मंडे को हम शाम को उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस में आए थे, और बच्चे बहुत अच्छे से मैच खेल रहे थे और बहुत ही प्यारा व्यू था, तो मैंने कुछ कैप्चर कर लिया। और ये फुटबॉल ग्राउंड ना, फुटबॉल ग्राउंड का एक डिफरेंट पार्ट है, जहाँ पर अभी तक यूजुअली खेलता था वहाँ नहीं खेल रहा है आज, बट बहुत ही प्यारा था। तो आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।